मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के चलते एक बार फिर प्रदेश के 3 बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें इंदौर भी शामिल है। लगातार इंदौर में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। कल की अगर हम बात करें तो इंदौर में 326 नए मरीज सामने आए थे। अब तक मध्य प्रदेश में 944 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है और लगभग इंदौर की बात करें तो लगभग 65,000 मरीज कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। प्रदेश सरकार कड़े कदम उठा रही है, लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है हम इंदौर के 60 फीट चौराहे पर। आप देख सकते हैं किस तरह से लॉकडाउन लगा होने के बाद भी लोगों का आवागमन जारी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाहनों की आवाजाही यहां पर चालू है। प्रशासन ने कड़े निर्देश दिए हैं, पुलिस अफसरों ने कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह से बेवजह लोग घरों से ना निकलें। उसके बावजूद लोग तफरी करने के लिए निकल रहे हैं। पुलिस कर्मी चौराहे पर खड़े हैं, लगातार हिदायत दे रहे हैं लोगों को कि बेवजह घर से ना निकलें। उसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं। चलिए आपकी कुछ बात कराते हैं, जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनसे जानते हैं कारण कि क्यों वो निकल रहे हैं। ये ऑटो आ रहा है सामने से, लोडिंग ऑटो, इनसे बात करते हैं कि क्यों ये निकल रहे हैं, क्योंकि किस कारण से ये यहाँ से निकल के जा रहे हैं, बात करते हैं। चलिए सीधे आपको दिखाते हैं तस्वीरें। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं दूध लेने। समय कौन सा दूध मिलता है? इस समय कहाँ? शाम के लिए जा रहे हैं दादा। ये देखिए, मतलब शाम के लिए दूध लेने अभी से जा रहे हैं और प्रशासन ने सख्त निर्देश दे रखे थे कि वे वजह घरों से नहीं निकलना है। दूध की बंदी बांटने के लिए भी समय था, दूध की दुकानें खोलने के लिए भी समय था और कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट आदेश जारी किए थे कि सुबह दुकानें चालू रहेंगी, आकस्मिक सेवाओं की जो दुकानें होती है वे चालू रहेंगी। लेकिन लोग बेवजह फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को दवाई की पर्ची जेब में रख लेते हैं, निकल जाते हैं। पुलिसकर्मी जब रोकते हैं तो पुलिसकर्मियों से बहस की जाती है। ये देखिए कुछ लोग इस तरह से भी अभी भी दूध लेने के लिए निकल रहे हैं, दूध की दुकानें अभी भी चालू है। और ये देखिए किस तरह से चेकिंग की जा रही है, पुलिसकर्मी चौराहे पर खड़े होकर बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। ये देखिए, आइए जानते हैं क्या कारण बता रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सर? अच्छा, ये यात्री हैं। यात्रियों को छूट दी गई थी प्रशासन के द्वारा कि एयरपोर्ट से आने जाने वाले जो लोग हैं, रेलवे स्टेशन जाने वाले लोग हैं जिनके टिकट पहले से बुक हैं, वे अपने घरों से आ जा सकते हैं। हालांकि उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क पहन के घर से निकलना होगा और प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पूरी तरह से